ओबीसी महासभा के तत्वधान में बीपी मंडल जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ओबीसी सामाजिक न्याय दिवस एवं सम्मान समारोह की परिचर्चा में मंच पर उपस्थित हम सबके साथीदार और हमारे 2-3 साल पहले के आंदोलन के साथी रहे तहसीलदार कुशवाहा जी, बिहार से आए हुए उदय नारायण चौधरी जी, मध्य प्रदेश के विधायक थे और लगातार चंबल के इलाकों में समाज के हितों के लिए, समाज के अधिकारों के लिए जो बात करते हैं, ऐसे बैजनाथ कुशवाहा जी, जिसने अभी बात कही कि नीट के मामले में मद्रास हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम सबके बच्चों के भविष्य की जिसने आवाज़ उठाई, ऐसे डीएमके के राज्यसभा सांसद विल्सन जी हमारे बीच से थोड़ी देर पहले अपनी बात रख कर गए हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल जी, ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कमेटी जिन्होंने हम सबकी आने वाली पीढ़ी के अधिकारों को बचाने के लिए इस सुंदर आयोजन किया है, ऐसे ओबीसी विजय कुमार जी, धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी, डॉक्टर पुष्पराज सिंह पटेल जी, वैभव सिंह जी, महेंद्र सिंह लोधी जी, डॉक्टर सूरज जी, श्री अरविंद जांगी जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जिन्होंने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया, हम लोगों को यहाँ कर बुलाया, ऐसे डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी, और मेरे सामने बड़ी संख्या में यहाँ पर ओबीसी समाज के भविष्य की चिंता करने वाले सभी ओबीसी महासभा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, साथी, मीडिया बंधु, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप सबको वंदन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि पिछले कई सालों से हम सब साथ मिलकर हिंदुस्तान के ओबीसी समाज की आवाम के लिए लगातार लड़ाई लड़ते हैं, और इस लड़ाई के माहौल में हम कभी हारे भी हैं, कभी जीते भी हैं। लेकिन 15-17 दिन पहले लोकसभा और राज्यसभा में ओबीसी संशोधन बिल पारित होने के बाद लगातार ये बात पूरे हिंदुस्तान में उठ रही है कि जातिगत जनसंख्या पर अब बात होनी चाहिए, 50% आरक्षण को बढ़ाने की बात होनी चाहिए, और इसी मामले में आज ये पहली मीटिंग भी मैं मानता हूं, और ये लड़ाई की शुरुआत है कि दोगे तो प्यार से लेंगे, नहीं तो संसद या सदन के भीतर हमारे वहां एक कहावत है कि जब हिरण सुबह उठता है तो वो अपने जान को बचाने के लिए तय करता है कि आज मुझे इतना भागना है ताकि मुझे कोई पकड़ ना सके, कोई मार ना सके, और उसी दिन सुबह एक शेर जागता और कहता है कि आज मुझे खाने के लिए किसी के पीछे भागना पड़ेगा और उसका शिकार करना पड़ेगा। सवाल इतना है कि हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहता है और शेर खाने के लिए ताकि वो भी जीवित रह सके। अब हम लोगों को ये तय करना है कि हमें हिरण बनना है या शेर, क्योंकि आज के माहौल में कहीं ना कहीं हमें अपने अधिकारों के लिए भागना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है। हम पिछले 2015 में गुजरात से एक लड़ाई की शुरुआत की थी ताकि पूरे हिंदुस्तान के ओबीसी समाज को हम एकजुट कर सके। यहाँ कई सारी बातचीत हुई है, उस बात से मैं सहमत भी हूं और कुछ बात पर मैं सवाल भी उठाना चाहता हूं। ओबीसी जातिगत जनसंख्या को लेकर हम एसी हॉल में जो बात करेंगे, 50% को बढ़ाने की हम एसी हॉल में बैठकर जो बात करेंगे, मैं मानता हूं उससे बेहतर है कि हमें सड़क पर उतर कर एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। यहां पर मैंने देखा कई सारे लोगों को आपने बुलाने का काम किया होगा, जिसमें कोई सत्ता के भी होंगे, विपक्ष के भी होंगे। मैं पिछले 5 साल से भाजपा के नेताओं को भी मिला हूँ, कांग्रेस के नेताओं को भी मिला हूँ, जिस भी राज्य में जिसकी सत्ता रही है क्षेत्रीय दलों से भी मिला हूँ। बात रूम में बैठकर अच्छी करते कि हाँ ओबीसी समाज के अधिकार के लिए होना चाहिए, हाँ हमको उनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन सड़क पर जब उतरने की बात आती है तो वो कभी नहीं आते। हम जैसे निर्दोष लोग और जो क्रांतिकारी लोग होते वही सत्ता के सामने लड़ते, और जब संसद और विधानसभा में भी जब बात करने की बात आती है तो वो लोग नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर वाला जो बैठा है उससे वो लोग डरते हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, जैसे हम लोगों ने गुजरात में आंदोलन के वक्त किया था कि जो हमें साथ नहीं देगा
संसद में और राज्यसभा में बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, इतने सारे प्रदेशों के विधानसभा में कई सारे विधायक बैठे हैं, जो हमारे बीच के, हमारे समाज के, हमारे साथ रहते हैं। ऐसे लोगों को मिलकर हमें यह तय करना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या तुम हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ हो या नहीं हो। अगर वो कहे कि हाँ है तो आ हमारे साथ रोड पर आकर बैठ, अगर नहीं है तो हमारे गांव के चौराहे पर उसके लिए धारा 144 की लगनी चाहिए और हमारे गांव में पहले उसको घुसने नहीं देना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि ओबीसी के नाम पर हम उसको वोट दे देंगे, लेकिन जब समाज की बात आएगी तो वो ओबीसी के नाम पर ये कह देगा कि मुझे तो सभी समाज की जरूरत है, मैं आपके साथ खड़ा नहीं रह सकता। और ऐसी बात जब होती है तो बहुत दुख लगता है, क्योंकि जब वो चुनाव लड़ता है तो हम अपना मानकर उसको सहयोग करते हैं, लेकिन जब समाज की लड़ाई की बात आती है तो अपना मानकर हमें सहयोग नहीं करता। मैं बहुत खुलकर और प्रखर बोलता हूं, मैंने मेरे ही गांवों में, मेरे ही इलाकों में मैंने एक भी हमारे समाज के नेताओं को नहीं घुसने दिया था, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। जो लोग हमारे साथ नहीं खड़े थे, ऐसे लोगों का मेरा मानना है कि उनको एक्सपोज करना चाहिए लोगों के बीच में, उसको खड़ा कर उसे सवाल भी करना चाहिए, उसे जवाब भी लेना चाहिए। अभी हमारी एक बहन ने बहुत अच्छी बात की, जिसमें हमारी बहन बेटियों पर बात हुई, शादी पर बात हुई, समूह विवाह पर बात हुई। लेकिन मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, मैं गुजरात से आता हूं, हालांकि मेरा यह मानना है यहां गुजरात से मैं अकेला ही हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको यह सवाल करता हूं, क्योंकि दम है मुझ में यह सवाल करने का। मैं 5 साल से सत्ता से सवाल करते आया हूं, आप लोगों से भी सवाल करता हूं, क्या सब हम एक ही बात करके कि जातिगण जनसंख्या होनी चाहिए, ओबीसी समाज को अधिकार मिलना चाहिए, 50% से ज्यादा आरक्षण होना चाहिए, सही बात है सब कुछ, लेकिन क्या हमने अपने तहसील में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में ओबीसी समाज के हित के लिए, ओबीसी समाज की शिक्षा के लिए, ओबीसी समाज के नौजवानों को अच्छी हॉस्टल में रखने के लिए, अच्छी हॉस्टलों की व्यवस्था, आईएएस आईपीएस के क्लास की व्यवस्था, सर्विस, पब्लिक सर्विस जो स्टेट का होता है उसमें अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करने के लिए हमने कभी ये बात नहीं कही। हम ये मानते हैं कि जातिगत जनसंख्या होनी चाहिए, करेंगे, दौड़ेंगे, बोलेंगे, लड़ेंगे, लेकिन क्या जो सक्षम लोग हैं हमारे समाज में, उसने अपने जिले के अंदर, उसने अपने तहसील के अंदर ओबीसी समाज के हित के लिए, ओबीसी समाज की आने वाली बहन बिटिया के लिए क्या कोई हॉस्टल बनाई है जहां पर रहकर वो पढ़ सके, लिख सके? हमें सवाल ये भी करना पड़ेगा कि आज समाजों में समूह विवाह होते रहते हैं, लेकिन ओबीसी समाज का भी जो हर स्टेट में हमारे नेता है, उद्योगपति है, उन लोगों को साथ बिठा के समाज का पैसा कम खर्च हो, इसी साथ समूह विवाह के आयोजन भी करवाने चाहिए। समाज किसी एक लड़ाई से नहीं जीत सकता, समाज किसी एक बात को लेकर सफल नहीं हो सकता, हमें सभी मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके हम उसके अंदर सफल हो सकते हैं। आज हम सब लोग जानते हैं कि 1931 में ओबीसी समाज की जो गिनती हुई थी उसी के आधार पर 27% रिजर्वेशन आज समाज को दिया गया है, लेकिन उसके बाद कभी भी ओबीसी समाज को लेकर, ओबीसी समाज की गिनती को लेकर कभी कोई चर्चा किसी ने नहीं की। मैं एक बात को लेकर आज खुश भी हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है, वहां के विपक्ष के नेता है, हमारे आज के इस कार्यक्रम में, ओबीसी महासभा के इस कार्यक्रम में खास तौर पर हिंदुस्तान की राजनीति के पूर्वधा, भारतीय राजनीति में ओबीसी समाज और पिछड़े समाज की अधिकारों की जिसने बात की है, ऐसे शरद यादव जी, महाराष्ट्र के भीतर समाज को बड़ा नाम देने वाले महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर सगत भुजबल जी, हम उनका हृदय से हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शरद यादव जी का खास स्वागत कर दो, हाथ सजा के ताली बजाइए। दो मिनट तक तालियां बजनी चाहिए शरद यादव जी के लिए, जिन्होंने भारत की राजनीति
स्थिति में हम सबको एक अलग पहचान दी है, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समाज के साथ बाहर है। ऐसी महान विभूति का हम हार्दिक स्वागत करते हैं।